तो चाहता हूँ कि ऐसे लोग आए और हमारे देश में एक सशक्त एक विपक्ष की होनी चाहिए। ये आज शहर में उनको ईद के कारण टाइम मिलेगी तो हम जाकर मिलके फिर ही दिल्ली जाएंगे। हमारी सिद्धांत है, परंतु जो मोदी कर रहा है वो सब चीज़ ठीक कर रहा है, ऐसा तो मैं तो नहीं मानता। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी आज पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचने के बाद पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे। पहला सवाल था कि क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा है, आप पहले खुद देखिए। ये आज शहर में उनको ईद के कारण टाइम मिलेगी तो हम जाकर मिलके फिर ही दिल्ली जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोग आए और हमारे देश में एक सशक्त एक विपक्ष की होनी चाहिए। और ये नहीं है कि हम समझते हैं कि हम सब लोग जो बीजेपी में हैं वो ये नहीं समझते कि हमारी सिद्धांत है, परंतु जो मोदी कर रहा है वो सब चीज़ ठीक कर रहा है, ऐसा तो मैं तो नहीं मानता। कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है उनके विपक्षी एकता की मुहिम से? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आज सब मान रहे हैं, और भले मोदी चाइना के बारे बड़े मुलायम है या दबा हुआ है, उसके नाम भी नहीं लेता है, जैसे हिंदू पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेते, तो इससे हम लोग नाखुश हैं। चाइना काफ़ी हमारी ज़मीन हड़प कर ली है, परंतु जहाँ तक बीजेपी है, उसकी इतनी विशाल संगठन है, सब जगह फैला हुआ है सिद्धांत जो है हिंदुत्व का, और राष्ट्र को एक करने के लिए, जो किसी धर्म के विरुद्ध में नहीं है, परंतु हम जरूर पुनरुत्थान चाहते हैं। हमारे धर्मों में जो पुनरुत्थान की आवश्यकता है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, उसमें हम करने चाहते हैं। वो तो हमारी जारी रहेगी जब तक पब्लिक हमें सपोर्ट करते रहेगी। हमें सत्ता में नहीं है तो फिर भी हम करते रहेंगे, क्योंकि हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। नीतीश कुमार दो बड़े आरोप लगाते हैं, दो बातें वो अक्सर कहते हैं जी, आज़ादी की लड़ाई से क्या मतलब था आप लोग को, दूसरी बात को बीजेपी बीजेपी को क्या मतलब था आप लोग को, और दूसरी बात यह है कि देश में कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है, ये दो बात कहते हैं। देखिए, जहाँ तक आज़ादी के आंदोलन में क्या था, इसका सही इतिहास कहाँ लिखाया गया? लिखने वाले सब जवाहरलाल नेहरू के लोग थे, वो अंबेडकर को ही नाम नहीं देते थे। आपको पता है कि सरदार पटेल को भारत रत्न कब मिली? जब मैं मिनिस्टर था चंद्रशेखर की सरकार में, तब मैं हैरान हुआ जब चंद्रशेखर ने मुझसे कहा कि रिपब्लिक डे आ रही है तो किसको भारत रत्न देना चाहिए, तो मैंने कहा पहले लिस्ट में देखता हूँ कौन है और कौन नहीं है। मैं हैरान हुआ कि सरदार पटेल का नाम नहीं था। सरदार पटेल का नाम पहली बार प्रस्तावित हुआ जब चंद्रशेखर की राज थी, तो कांग्रेस का क्या इसमें जवाब है? अंबेडकर का एक साल पहले 1999 में, नब्बे में अम्बेडकर का हुआ, 91 में सरदार पटेल का हुआ, तो ये सारे सुभाष चंद्र बोस का आज तक उन्होंने कोई मान्यता नहीं दी थी, हमने इतनी मान्यता दी थी। सिर्फ वो परिवार कहती है कि जब तक हम नहीं कहेंगे कि अब जिंदा नहीं है, तब तक आप उनको भारत रत्न नहीं दे सकते, तो इसीलिए उनके लिए भी मिल रहेगी। हमें सरदार सुभाष चंद्र बोस के लिए हम लोगों ने खुलासा की थी। तो जहाँ तक आज़ादी के आंदोलन सवाल है, इनको तो सिर्फ नेहरू के साथ जो थे वही आज़ादी के आंदोलन में थे, और कोई नहीं थे, तो उसी लिए उसमें तो हम आ ही नहीं सकते। नेहरू को तो हम समझते हैं कि चीन के मामले में हमारे साथ धोखा की, उसकी रिश्ते जो माउंटबेटन की बीबी के साथ थी वो हमारे शर्मनाक है हमारे देश के लिए, तो ऐसी चीज़ें कई हैं। तो काम नहीं हो रहा देश में कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है, वो तो इसके लिए वो अपने कोई अर्थशास्त्री को तैयार करें और मेरे साथ डिबेट करें। एक अंतिम सवाल है आपसे, सत्यपाल मलिक ने जो इंटरव्यू दिया है जी, वो का
तो आपने देखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जेपी आंदोलन से नीतीश कुमार जो है हमारे मित्र हैं, अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं काफी बेहतर काम कर रहे हैं और देश में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर आज समय मिलता है तो वो नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए भी जाएंगे। तो देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जिनका नाता कभी बीजेपी से रहा है और वो अब बड़ा बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनते हैं तो पीएम मोदी को जोरदार टक्कर दे सकते हैं और 2024 के लिए एक अच्छा उम्मीदवार बन सकते हैं। तो देखना होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी आगे चलकर नीतीश कुमार की इस मुहिम में उनका कितना समर्थन करते हैं। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।